तो सब में ही वॉल्यूम तो 100 ml है। अब हमें क्या करना है, ऐसे पार्ट्स में बांटना है कि मतलब एसिड और बेस दोनों ही मतलब कंप्लीटली फिनिश हो जाए, कोई अमाउंट बचे नहीं। और जब दोनों का मैक्सिमम अमाउंट यूज होगा तो ऑब्वियसली जो है वो इस ml में जहाँ हीट इमिट होगी तो जहाँ टेम्परेचर राइज होगा। तो अगर अपन देखें कि इसका 50 ml ले लिया तो एक तरह से MVML NaOH के 50 mmol है ना, तो ये कितना हो गया, 5 mmol। मोलरिटी दिया ही हुआ है, कितना जो है वो 0.1, वॉल्यूम 50, तो ये हो गया NaOH कम। और H2A इसमें मिलीमोल्स अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं एच प्लस के कर रहे हैं, तो 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो MVML को। मोलरिटी कितना दे रखा है, 0.05 है ना। और VML कितना लिया अपन ने, 50, तो ये बाय 100 हो गए है ना। तो इस हिसाब से इसके भी हम जो है वो मिलीमोल्स कंसीडर कर लेंगे कि ये 0.05 हो गया, और ये तो वॉल्यूम अपन ने लिया ही है और 2 का ये फैक्टर आ गया। तो यहां पे ये हमें जो है वो मिलीमोल्स, अगेन इसके भी 5 mmol दे रहे हैं, ये 2 और 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो बाकी केसेस में अगर आप देखेंगे तो भाई कम के अकॉर्डिंग होगी रिएक्शन, एसिड और बेस में से कोई एक कम हो जाएगा 5 mmol से, तो ऑब्वियसली फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी, जैसे 1000 1000 mmol के लिए, यानी 1 mole इसके और 1 mole इसके, और ये सपोज करो डेटा 13.7 kcal है और 50-50 में उसी यूनिटरी मेथड से उसी प्रोपोर्शनेट में हो जाएगा, दिस बाय 1000 × 50। तो अगर एक के भी कम हो गए दोनों, मतलब प्रोपोर्शन अमाउंट में नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली 25 के अकॉर्डिंग होगा, तो 13.7 × 1000 × 50 के बजाय × 25 हो जाएगा, तो कम हीट उसमें जनरेट हो पाएगी। तो बी विल बी द आंसर।